नमस्कार दोस्तों, मैं स्नेहा शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल SS होम्स पे। तो दोस्तों, हमेशा हम आपके लिए कभी विला लाते हैं, कभी हम आपके लिए फ्लैट लेके आते हैं, कभी लग्जरी प्रॉपर्टी लाते हैं, तो कभी अफोर्डेबल प्रॉपर्टी लाते हैं। तो वैसे ही आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक JDA अप्रूव प्रॉपर्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एक JDA अप्रूव प्रॉपर्टी आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ इस प्रॉपर्टी की, तो मैं आपको बता दूँ आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं वो काफ़ी अच्छी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आज हम आए हैं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं करधनी कालवा रोड पे। कालवा रोड से अगर डिस्टेंस की बात करूँ मैं, तो मैं आपको बता दूँ मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे आज आपको ये प्यारी सी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो कि काफ़ी लग्जरियस डिज़ाइन के अंदर बनी हुई है। साथ ही मैं बता दूँ आपको, ये हमारा विला 4 BHK के अंदर बना हुआ है। जी हाँ, 4 BHK के अंदर हमारा फुल डुप्लेक्स ये विला बना हुआ है। अगर हम बात करें कितने गज के अंदर है, क्या साइज़ रहेगा, तो मैं बता देती हूँ आपको, हमारा जो ये विला है ये 87 स्क्वायर यार्ड के अंदर बना हुआ है, 20x39 के साइज़ के अंदर फुल डुप्लेक्स विला है। 2 कमरे, हॉल, किचन, लेट बाथ आपको आपके ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएंगे। एज इट इज़ आपको ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल जाएगा, जिसके स्टेयर्स भी आपको बाहर से मिली है। तो अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप अपने ऊपर वाले फ्लोर को रेंट आउट कर सकते हैं, जिससे आपका एक इनकम सोर्स भी आता रहेगा। तो अब देर किस बात की, टूर करते हैं शानदार से विला का। आपने फ्रंट एलिवेशन तो देख ही लिया हमारे इस विला का, तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ बम एरिया। काफ़ी अच्छी हाइट के साथ आपको यहाँ पर बम एरिया मिल रहा है। एंड अगर हम एंट्री डोर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको हैवी आयरन के अच्छी हाइट के डोर्स मिल जाएंगे। एंड अगर हम पार्किंग की बात करें, तो एक सफिशिएंट स्पेस में आपको यहाँ पर पार्किंग दी गई है, तो आप अपने यहाँ पर 2 व्हीलर इजीली यहाँ पर खड़े कर सकते हैं। स्पेस की कोई दिक्कत नहीं रहेगी अगर आप अपने 2 व्हीलर्स यहाँ पर खड़े करते हैं तो। साथ ही मैं आपको बता दूँ, हमारे विला में आपको मिलने वाली है ड्यूल एंट्रीज, तो एक जाएगी आपके गेस्ट रूम से होते हुए, देख लीजिए। एंड जो हमारी मेन एंट्री है वो जाएगी हमारी इस साइड से, तो उससे पहले देख लीजिए आप, आपको वाटर टैंक के लिए प्रोविज़न भी यहाँ पर दिया है। एंड जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारा जो ये विला है ये फुल डुप्लेक्स है, तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है वो जाएगा हमारा इस साइड से, जिसकी स्टेयर्स भी आपको आउटसाइड दी गई है, जो कि ये काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है। तो आइए आप चलते हैं हमारे लिविंग एरिया के अंदर। आप देख सकते हैं, जैसे ही हम एंट्री लेंगे यहाँ हमें मिल जाएंगे वुडन के डोर, अच्छी हाइट के डोर हमें यहाँ मिल रहे हैं। एंड अगर हम हमारे लिविंग एरिया की बात करें, तो काफ़ी अच्छे स्पेस में हमें हमारा लिविंग एरिया मिल रहा है, यानी कि आप यहाँ पर अपने 7 सीटर सोफ़ास ईजिली सेट कर पाएंगे, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। एंड मैं आपको एक बार फॉल सीलिंग दिखाना चाहती हूँ। फॉल सीलिंग देख लीजिए, LED कॉप्स की फिटिंग आपको मिल रही है फॉल सीलिंग के अंदर, ब्यूटीफुल डिज़ाइन में आपको फॉल सीलिंग यहाँ मिल रही है। एंड अगर हम वॉलपेपर की बात करें, तो ब्यूटीफुल कलर के अंदर यहाँ मिल जाएगा आपको प्यारा सा वॉलपेपर, जो कि आपके लिविंग एरिया को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहा है। एंड ये हमारा एक वॉश बेसिन एरिया रहेगा, सेपरेट एरिया दिया गया है वॉश बेसिन के लिए। एंड लिविंग एरिया में हमें मिल जाएगा एक वुडन का LED पैनल, ब्यूटीफुल डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर LED पैनल मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, लिविंग एरिया मैंने आपको दिखाई दिया है, अब टूर करते हैं हमारे किचन का। किचन हमारी सेपरेट रहने वाली है, एंड यहाँ पर आपको पार्टीशन मिल जाएगा, वुडन का पार्टीशन करके दिया है, जो कि काफ़ी मॉड्यूलर लुक दे रहा है आपके किचन को। एंड अगर हम किचन की बात करें, तो एक अच्छे स्पेस के साथ आपको पूरी किचन मिल रही है। एंड साथ ही आपके किचन में मिल जाएगा आपको फॉल सीलिंग, LED कॉप्स की फिटिंग आपको फॉल सीलिंग के अंदर हमने करके दी है। वार्डरोब कैबिनेट्स आपको यहाँ लगे हुए मिल रहे हैं, साथ ही आपको सिंक एरिया यहाँ मिल जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है हमारे किचन के अंदर कि हम सफोकेटेड ना हो खाना बनाते हुए, हमें पसीने ना आए, या मतलब जो गैस रहती है ये किचन के अंदर वो ना रहे, तो उसके लिए हमने यहाँ आपको लगा के दी है 2 विंडो फॉर दी वेंटिलेशन पर्पस। यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, सफोकेटेड आप खाना बनाते टाइम बिल्कुल नहीं होने वाले इस किचन के अंदर। तो दोस्तों, अब मैंने आपको दिखा दी किचन, अब चलते हैं हमारे फर्स्ट मास्टर बेडरूम का टूर करने। तो ये हमारा आज का फर्स्ट मास्टर बेडरूम रहेगा, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस में आपको फर्स्ट मास्टर बेडरूम मिल जाएगा यहाँ पर, यानी कि किंग साइज़ के बेड के बाद भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस रहेगा। वॉलपेपर की बात करें, तो फ्लावर प्रिंट पे वॉलपेपर मिल जाएगा काफ़ी प्यारे लुक के साथ।
एंड रूम के अंदर आपको मिल जाएगी फॉल सीलिंग, ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ फॉल सीलिंग का वर्क आपको मिल रहा है यहाँ पर LED कॉप्स के फिटिंग के साथ। वार्डरोब हमने यहाँ आपको लगा के दिए, प्रॉपर हाइट की वार्डरोब मिल जाएगी एंड यहाँ मिल जाएगा आपको एक वॉशरूम। गाइज मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, हमारा जो ये वॉशरूम है ये आपको कॉमन प्लस अटैच मिल जाएगा, जिससे क्या होगा ये आपके फर्स्ट मास्टर बेडरूम से भी जाएगा, साथ ही ये आपके लिविंग एरिया से भी होते हुए जाएगा। एंड आपके फर्स्ट मास्टर बेडरूम में मिल जाएगी आपको एक अटैच वॉशिंग एरिया, तो आप एक बार देख लीजिए वॉशिंग एरिया भी। यहाँ पर आप अपने वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, या सर्दियों में कपड़े सुखाने की बहुत दिक्कत रहती है तो आप यहाँ पर ईजिली सुखा पाएंगे। तो अब हमने हमारा फर्स्ट मास्टर बेडरूम देख लिया है, अब चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम का टूर करने। सेकेंड बेडरूम को एज ए गेस्ट रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो विला है उसकी जो ड्यूल एंट्री जाएगी वो एक इस रूम से होते हुए जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ मिल जाएगा आपको एक वॉलपेपर, रॉयल थिंग के अंदर यहाँ पर वॉलपेपर मिल रहा है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लुक दे रहा है आपके पूरे रूम को। एंड सीलिंग की अगर हम बात करें तो ब्यूटीफुल सीलिंग मिल जाएगी, LED कॉप्स की फिटिंग ऑलरेडी यहाँ पर आपको करके दिए, साथ ही LED लाइट्स की भी फिटिंग आपको मिल जाएगी। AC के सेपरेट एरियाज आपको पूरे घर के अंदर मिल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सेकेंड बेडरूम में भी मिल रहा है आपको एक AC के लिए सेपरेट एरिया। एंड अगर विंडो की बात करें तो यहाँ आपको बिग साइज में विंडो मिल रही है, यहाँ से प्रॉपर आप वेंटिलेशन होता रहेगा, आप सफोकेटेड यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। एंड यहाँ पर आपको आपके ड्यूल एंट्री पे वुडन का डोर इस साइड से भी मिल रहा है, तो एक बार मैं दिखाना चाहती हूँ। तो दोस्तों अब हमने टूर कर लिया हमारे ग्राउंड फ्लोर का, जहाँ पर हमने देखे हमारे टू रूम्स, लिविंग एरिया एंड किचन एरिया। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर का टूर करने, जहाँ पर हमें एज इट इज़ जैसे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे टू रूम्स मिले हैं, वैसे ही हमारे फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें टू रूम्स मिलेंगे, किचन मिलेगी, हॉल एरिया मिलेगा। तो आइए टूर करवाती हूँ मैं आपको हमारे फर्स्ट फ्लोर का, जिसकी स्टेयर्स भी आपको दोस्तों बाहर से दी गई है। तो हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी एंट्री यहाँ से रहेगी, तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको फर्स्ट फ्लोर। ये यहाँ पर आपको एंट्री भी मिल जाएंगे वुडन के डोर, देख लीजिए। एंड जैसे हमने हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग एरिया देखा था, एज इट इज़ उसी साइज़ के अंदर हमें मिल जाएगा हमारे फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको वॉलपेपर लगा के दिया है ब्यूटीफुल कलर के अंदर, फॉल सीलिंग मिल जाएगी आपको एंड LED पैनल भी यहाँ आपको मिल जाएगा, देख लीजिए एक बार। एंड वॉश बेसिन का सेपरेट एरिया यहाँ मिल जाएगा आपको, साथ ही किचन आपको मिल रही है अच्छे स्पेस के साथ यहाँ पर। वार्डरोब कैबिनेट्स हमने ऑलरेडी यहाँ पर आपको लगा के दिए हैं, विंडोज़ हमने यहाँ प्रोवाइड करी है आपको वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम का टूर करने। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा आज का, देख सकते हैं काफ़ी अच्छे स्पेस के साथ है। एंड वॉलपेपर की अगर मैं बात करूँ तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के अंदर, बहुत ही प्यारा कलर आपको आपके वॉलपेपर में यहाँ मिल जाएगा। एंड यहाँ पर मिल जाएगी आपको फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं LED कॉप्स एंड LED लाइट्स की बहुत आपको फिटिंग मिल रही है, AC का सेपरेट एरिया मिल जाएगा। एंड यहाँ भी यहाँ मतलब आपके फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी आपको मिल रहा है एक कॉमन प्लस अटैच लेथ बाथ एरिया, तो आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों अब टूर करते हैं हमारे लास्ट बेडरूम का, यानी कि हमारे फोर्थ बेडरूम का टूर करने का टाइम आ गया है। तो आइए अब टूर करते हैं हमारे फोर्थ मास्टर बेडरूम का, जिसमें आपको मिलने वाली है एक बैल्कनी, साथ में आपको अटैच वॉशरूम यहाँ मिल रहा है। आप इसको एज ए वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं या एज ए स्टोर रूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम रूम की बात करें तो रूम में आपको मिल जाएगा एक प्यारा सा वॉलपेपर, आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल कलर के अंदर यहाँ पर फ्लावर प्रिंट के अंदर वॉलपेपर मिल रहा है आपको। एंड AC का सेपरेट एरिया मिल जाएगा एंड फॉल सीलिंग भी मिल जाएगी आपके फोर्थ बेडरूम में आपको LED कॉप्स एंड LED लाइट्स की फिटिंग के साथ। साथ ही हमें मिलेगी हमारे फोर्थ बेडरूम में बैल्कनी। तो हमारे फोर्थ मास्टर बेडरूम के अटैच में हमें मिलेगी हमारी बैल्कनी। बैल्कनी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छे स्पेस में हमें यहाँ बैल्कनी मिल रही है। आप देख सकते हैं प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपका विला लोकेटेड है, तो एक बार आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं। प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आपका विला लोकेटेड है,
लोकेशन की अगर हम बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट एक बार वापस से मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। हमारी आज की लोकेशन रहेगी करधनी कालवार रोड। कालवार रोड से अगर डिस्टेंस की बात करें तो मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको ये 4 BHK फुल डुप्लेक्स JD अप्रूव विला मिल जाएगा। एंड अगर हम करें आप प्राइस की बात तो हमारे इस विला की प्राइस रहेगी 65 लाख रुपीज़। 65 यानी कि 65 लाख के अंदर आपको मिल जाएगा ये 4 BHK फुल डुप्लेक्स JD अप्रूव विला। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगी वाटर सप्लाई फैसिलिटी, यानी कि पानी की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो देरी मत करिए, जल्दी आइए एंड विजिट करिए ये प्यारा सा विला। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। बाकी स्क्रीन पे हमारे नंबर आपको मिल जाएंगे, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, साथ ही अगर ये विला आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे क्या होगा आने वाली सारी अपडेट्स, सारे लग्जरी प्रॉपर्टीज़, अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।